हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हुबली जोन के एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी नोटिस वायरल हो रही थी। दोस्तों, यहां पे इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी अभी यहां पे आ चुका है। देख सकते हैं 26 तारीख के डेट में, यानी आज के डेट में ये नोटिस अभी अभी ये ऑफिशियली पब्लिश किया गया है। बाकी सुबह से जो नोटिस वायरल हो रहे थे वो पूरा का पूरा फेक थे। तो चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर जान लेते हैं। देख सकते हैं साथियों, नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT फेज़ 5। पहला पॉइंट देखिए, बताया गया है CBT ऑफ अबव CN नंबर इज़ बीइंग कंडक्टेड इन मल्टीपल फेजेस। नाउ इट इज़ इन्फॉर्म दैट CBT फॉर द लास्ट फेज, दैट इज़ फेज़ 5, कंप्रीजिंग द रिमेनिंग ऑन RRC, दैट इज़ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, विल बी हेल्ड ऑन 6 अक्टूबर। देखिए 6-10 से लेकर के 11-10, यानी 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में आपका शेड्यूल किया जा रहा है दोस्तों, इन वेरियस सिटीज़ ऑफ ऑल ओवर इंडिया, सब्जेक्ट टू द प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग इन द COVID-19 पेंडेमिक। तो साथियों, ये तो खैर फिक्स हो गया कि आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है। देखिए आगे बताया गया है, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव फ्रॉम 11 आवर्स ऑन द 27 सितंबर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB। देखिए दोस्तों, 27 सितंबर से आप लोग जो है वो अपना अपना यहाँ पे सिटी इंटीमेशन को चेक कर पाओगे कि किस शहर के अंदर आपका एग्जामिनेशन जो है वो पड़ा है, ठीक है। वहीं एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले डाउनलोड होता है। तो जिस भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम यहाँ पे 6 तारीख को होगा, उनका जो एडमिट कार्ड है साथियों, वो आपका 2 अक्टूबर के डेट में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा पॉइंट में वही चीज़ बताया गया है, यहाँ पे जो आपका ई कॉल लेटर है साथियों, वो आपका 4 दिन पहले डाउनलोड होता है। चौथा पॉइंट के अंदर बताया गया है, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन इन द एग्जामिनेशन सेंटर प्रायर टू द एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड। देखिए आपको बताया गया है कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर के जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपका आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है साथियों कि जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है उसी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो मेल प्रैक्टिस से बचने के लिए यहाँ पे ये जो है वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जाता है। पांचवा पॉइंट के अंदर दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट मिसलीड बाय अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। तो वैसे लोग जो कि आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, रेलवे के अंदर जॉब जो है वो पूर्णतः मेरिट बेस्ड होता है दोस्तों। जो भी आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं उन सोर्स से यहाँ पे दूर रहने का प्रयास करें, ठीक है। छठा पॉइंट देखिए, बताया गया है, बीवेयर ऑफ टॉट्स हु आर मिसगाइड कैंडिडेट्स विथ फेक प्रोमिसेस ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स और इलीगल कंसिडरेशन। RRB सिलेक्शन आर बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एंड रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ओनली ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ पे छठा पॉइंट में बताया गया है कि वैसे लोग जो कि आपको मिसगाइड करने का प्रयास करते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें। जो भी यहाँ पे चयन होता है दोस्तों, वो आपका पूर्णतः मेरिट बेस्ड होता है, कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।